ओके लेट्स स्टार्ट अ पोयम नेम्ड एज आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड बिकॉज समवन हैज आस्क्ड मी ऑन यूट्यूब टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पोयम सो हेयर इट इज सो इट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके किड्स, जब बेटा आपको कोई भी पोयम करनी हो तो आपको उसके पोइट का नाम हमेशा याद करना है, ठीक है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलवेज। सो लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप। डू यू नो हाउ अ डैफोडिल लुक्स? डू यू नो? फाइंड आउट वेयर यू कैन कॉमनली फाइंड दिस ब्यूटिफुल फ्लावर्स। अब क्या है बेटा, वार्म अप से हमें ये आइडिया हो जाता है कि इस ये पोएम किस बात पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स नेम्ड एज डैफोडिल पर बेस्ड है। ओके, अब इसमें पोएम में क्या होता है बेटा, जो पोइट होता है वो कुछ सिंबॉलिक वर्ड्स का सेंटेंसेस को यूज़ करता है, तो हमें इसके प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन हिंदी करने की कोई नीड नहीं होती। हमें कुछ 2-3 लाइन्स की ही हिंदी करनी होती है, यानी उनका मीनिंग कंसीडर करना होता है, क्योंकि ये कोई स्टोरी तो होती नहीं जो वर्ड टू वर्ड फॉलो करनी होती। ये थॉट्स होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं पोइट के जो कि वो यूज़ करता है किसी चीज़ को डिफाइन करने। ओके, और इसमें कुछ रिदम जैसे रिदम बिठाने के लिए भी ना कुछ सिंबॉलिक वर्ड्स को ना इस तरह से मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको मीनिंग देते हैं, मतलब आपको लगता है कि वो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, तो आपको थोड़ा सा इस बारे में लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड मीनिंग करेंगे ताकि आप इस पोएम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। अब वेंडर्ड क्या होता है, इधर उधर घूमना, ठीक है। उसके बाद दैट फ्लॉट्स ऑन हाई ओवर, अब ये देखो ओ एपोस्ट्रोफी ई आर, इसका मीनिंग होता है ओ ई ई आर, ओवर, ऊपर, क्लाउड्स के। वेल्स, वैलीज, यहाँ लिख लो आप वैली। ओके, फिर है देखो बोल्ड लेटर्स में होस्ट, होस्ट यहाँ पे होस्ट का मतलब बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फिर है बिसाइड, बिसाइड का लिखना पास में, ठीक है, बिसाइड द लेक, लेक के पास। बीनीथ, बीनीथ होता है अंडर। फिर है फ्लटरिंग, फ्लटरिंग होता है लहराते हुए, फहराते हुए, ठीक है, जैसे डैफोडिल फ्लावर्स के बारे में वो कह रहा है वो मुझे लहराते हुए दिखाई दे। ओके, इसके बाद है हमारे पास द मिल्की वे। द मिल्की वे होता है जैसे गैलेक्सी होती है ना, नाइट में हमें दिखाई देती है स्काई में, तो ये अ टाइप ऑफ गैलेक्सी होती है मिल्की वे। उसके बाद है मार्जन ऑफ अ बे, बे जस्ट लाइक बे ऑफ बंगाल आपने मैप्स में की हुई है ना, तो ये बे जस्ट लाइक दैट। उसके बाद है टॉसिंग देयर।